अलीराजपुर के बोरखड में अजब प्रेम की गजब कहानी हकीकत बनी। यहां एक मंडप में एक दूल्हे ने एक साथ दो दुल्हनों से शादी रचाई। शादी धूमधाम से हुई क्योंकि आदिवासी समाज में एक आदमी तीन पत्नियां रख सकता है। एक मंडप, एक दूल्हा और दो दुल्हन, ये तस्वीर देखकर आप भी चौंक गए होंगे। ये तस्वीर है अलीराजपुर जिला मुख्यालय के ही ग्रामीण वार्ड क्रमांक 18 की, जिसे बोरखंड कहा जाता है। यहाँ 12 मई को युवक रतु पिता दशरिया ने अपनी उन दो प्रेमिकाओं के साथ विधि विधान के साथ एक ही मंडप में शादी की। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दुल्हनों का नाम भी शर्मिला है और एक प्रेमिका से उसे दो बच्चे भी हैं। अब शादी क्यों करनी पड़ रही है, आप भी खुद दुल्हे से सुन लीजिए। हमारे रीति रिवाज में क्या कि शादी करने से पहले कहीं नहीं होता, तो शादी करना ही पड़ता है। तो एक ही मंडप में दोनों के साथ शादी करी आपने? हाँ, एक ही मंडप में दोनों के साथ शादी। दोनों पत्नियां खुश हैं आपसे? हाँ, दोनों खुश हैं। दोनों में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? नहीं, नहीं होता। बोरखंड की यह अनोखी शादी अनोखी सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक ही मंडप में एक दुल्हे ने दो दुल्हनों से शादी की है, बल्कि इसलिए अहम है कि पहले रतु नामक युवक को पलासदा गांव की शर्मिला से इश्क हुआ और वो उसे भगा कर ले आया और बिना शादी के साथ रखा। इस दौरान उससे दो बच्चे भी हुए और पिछले साल ट्रैक्टर चलाने के दौरान उसे अंजदा गांव की युवती शर्मिला से इश्क हो गया और वो उसे भी घर ले आया और पत्नी की तरह रखने लगा। पहले 3 साल पहले लाए, उसके बाद 1 साल पीछे दूसरी वाली को लाए। तो शादी तो हुई नहीं थी आपकी दोनों के साथ? दोनों के साथ शादी नहीं हुई थी। पहले वाला लाए वो भी ऐसे ही और जो सेकंड वाला लाए वो भी ऐसे ही। तो आपका पहले वाले के एक छोरा एक छोरी। 3 साल। कितने बच्चे आपके? दो। तो शादी अभी 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 हुई आपकी? हाँ, अभी। तो दोनों साथ में रहते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं। अच्छे से रहते हैं? हाँ, एक ही मंडप में हुई के? हाँ। अच्छा लगा आपको? ये आपके दोनों के झगड़े तो नहीं होते साथ साथ में? नहीं। अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रतु को अपनी दोनों प्रेमिकाओं के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद शादी करनी पड़ी और ये कितना जायज है? इस बारे में आदिवासी भिलाला समाज के पटेल कहते हैं कि रतु नामक युवक दो लड़कियों को प्रेम प्रसंग के चलते भगा लाया था, लेकिन समाज में उसका हुक्का पानी बंद था। वो समाज के रीति रिवाज में शामिल नहीं हो पाता था, लेकिन अब एक ही मंडप में शादी कर लेने के बाद वो समाज की मुख्य धारा में माना जाएगा। ये 2-3 साल पहले लेके भगाया, एक पहले लेके भगाया, एक बाद में लेके भगाया। इसलिए हमारे जो समाज में है उसमें समाज में ना उसके शादी इसकी करना जरूरी थी, क्योंकि हमारे इसमें समाज में इसको नहीं गिनते, इसलिए इसकी शादी करना जरूरी। इसलिए अगर शादी हो गई। स्थानीय समाज ने तो अपनी परंपरा के अनुसार इस शादी को मान्यता दे दी है, लेकिन क्या इसे कानूनी मान्यता दी जा सकती है? दो या तीन पत्नी भी रख सकता है। लीगल होता है क्या? कानून में तो नहीं है, लेकिन इनके आदिवासी समाज में सिस्टम लागू होता है, मतलब रीति रिवाज, वो सिस्टम के आधार पे वो रख सकते हैं। इस सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि अगर युवक रतु को फिर से इश्क हो गया
तो उसकी दोनों मौजूद प्रेमिकाओं से पत्नी बनी दोनों शर्मिलाओं का भविष्य क्या होगा।